केंद्र सरकार को चेता देना चाहता हूँ। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तूने सोती कम कराई। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की आग भड़कने वाली है। गुर्जर समाज की ओर से गहलोत सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर 15 दिनों में उन्हें आरक्षण नहीं मिला तो एक बार फिर से राजस्थान में उग्र आंदोलन होगा। सवाई माधोपुर में श्री देव नारायण मंदिर में गुर्जर नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें गुर्जर समाज की ओर से आरक्षण आंदोलन को लेकर संघर्ष समिति के नेताओं ने भाषण दिए। गुर्जर नेताओं का कहना था कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जर समाज की आने वाली नस्लों के लिए पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के दौरान समाज ने 72 वीर सपूतों की कुर्बानी तक दे दी, लेकिन अब भी सरकार ने गुर्जरों को आरक्षण का पूरा फायदा नहीं दिया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला, हिम्मत सिंह गुर्जर और भूरा भगत ने कहा कि फरवरी 2019 के आंदोलन में भी गुर्जर समाज ने सरकार को 20 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार 20 दिन में भी नहीं जागी। लेकिन इस बार अगर 15 दिन का अल्टीमेटम पूरा होने से पहले गहलोत सरकार की नींद नहीं खुली तो पहले से भी ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी 3 मांगे हैं। नंबर 1, 2011 से 4% जो रिजर्व रखे उनकी भर्ती की जाए। 15 ऑनगोइंग भर्तियां हैं, उनमें 5% आरक्षण का लाभ दिया जाए। और तीसरी जो मांग है वो देवनानी योजना की क्रियान्विति हो। माननीय सचिव पायलट साहब जब सरकार में थे, 2 महत्वपूर्ण पदों पर थे, युवाओं ने हजारों ज्ञापन दिए, अवगत कराया कि 5% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैंने कई बार उनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनसे कई बार आग्रह किया कि 5% आरक्षण का जो MBC का आरक्षण है, 5% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऑनगोइंग भर्तियों में प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, उनमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप बोलिए, आप आवाज उठाइए। दूसरी ओर अभी आंदोलन की बात चल रही है। कर्नल बैंसला जी 19 माह से मुख्यमंत्री जी से 4 बार मिल लिए। यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारी मांग को गलत साबित कर दे, मैं जीवन में आंदोलन की बात नहीं करता। गुर्जर समाज ने राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार को भी 30 दिन का अल्टीमेटम देते हुए मांग की है कि गुर्जर आरक्षण को संविधान की नवी सूची में शामिल करके इसे पुख्ता किया जाए, नहीं तो राजस्थान ही नहीं बाकी राज्यों के गुर्जर भी दिल्ली कूच करने पर मजबूर होंगे। कि यदि 15 दिन में राज्य सरकार जो बची हुई मांगे हैं समझौते की वो पूरी नहीं करती तो आंदोलन वापस से शुरू होगा। कर्नल साहब ने हाथ जोड़ कब्र करबद्ध निवेदन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया करके जो MBC समाज का 5% आरक्षण है उसको नवी अनुसूची में डाल करके कॉन्स्टिट्यूशनल कवच पहनाया जाए, जिससे में इसमें कोई आँच ना आए। एक बात ये भी कहना है मेरे को कि जब EWS का आरक्षण हुआ था तो 3 दिन में सब काम हो गया था। जब 3 दिन में वहाँ पर काम हो सकता है तो अभी तो सत्र चल ही रहा है तो कराया जा सकता है। गुर्जर समाज के लोगों का आरोप है कि वैसे तो सचिन पायलट गुर्जरों के हित की बात करते हैं, लेकिन जब वो सरकार में थे तब उनका रवैया काफी ढीला दिखा, और जब सरकार का हिस्सा नहीं है तो गुर्जर समाज का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा करते हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत भी यही चाहते हैं कि गुर्जर समाज अपनी मांगों को लेकर फिर से सड़क पर उतरे और सचिन पायलट को इस आंदोलन की अगुवाई करनी पड़ जाए और पायलट की छवि सिर्फ एक गुर्जर नेता की ही बनकर रह जाए। राजस्थान तक के लिए सवाई माधोपुर से सुनील जोशी की रिपोर्ट।